forget to subscribe to our channel. Press the bell icon, like, comment, share this video. जी, मैं सबसे पहले रायता का आपको तरीका बताने लगी हूँ। थोड़ा सा ऑयल लेना है, ठीक है। इसमें आपने लहसुन डालना है और इसको आपने हल्का सा फ्राई करना है। बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है जी। ये देखें, जैसे ही इसका हल्का सा कलर आए, दही में मैं थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्च और 1 pinch 2 pinch 3 pinch नमक ऐड करूँगी। उधर लहसुन जैसे ही हल्का सा लाइट ब्राउन होगा, थोड़ा सा मैं ऑयल डाल दूँ। जैसे ही इसका रंग लाइट सा कलर आएगा, इसको हम, ये देखें, ये इसका कलर आ गया है। अब इसको हम दही में शामिल कर देंगे। और दही का आपने ये चीज़ का ख्याल करना है कि दही गाढ़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं दही होना चाहिए। सॉस है ये, ठीक है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इसको हम अब फ्रिज में रख देंगे कि ये, ताकि ये ठंडा हो जाए। ये कोयला, मैंने ये कोयला रख दिया है कि हमने बारबेक्यू का इसको इफ़ेक्ट देना है चिकन में, तो उसके लिए। अब ये इसमें हम ऑयल शामिल करेंगे। चिकन का मसाला मैं करने लगी हूँ और ये बारबेक्यू टिक्का चिकन मसाला होगा। ये मैंने पहले से ही इसको बॉइल करके और उसको शरेट कर लिया है। ये आपने इसमें शामिल करना है और इसको थोड़ा सा आपने ना फ्राई करके तो उसको निकालना है। तेज़ आंच पे करना है इसको, हल्का सा फ्राई। ये देखें, ये इस तरह आपने इसको फ्राई करना है। चिकन को हम ये निकाल लेंगे, ऑयल शामिल करेंगे इसके अंदर, लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। ये जैसे ही थोड़ा सा लाइट ब्राउन होगा, इसमें चिकन शामिल कर देंगे और सब्जियां शामिल कर देंगे। अब इसके अंदर हम काली मिर्च, ज़ीरा, पंजी अजवाइन, ये आपने 2 pinch डालनी है तकरीबन। और इसमें नमक, ये टिक्का मसाला तकरीबन 2 चम्मच, थोड़ा सा ज़रा स्पाइसी बनाना है इसलिए। इसको हम मिक्स करेंगे।
टू टीस्पून भी डाल सकते हैं और टेबलस्पून भी डाल सकते हैं अगर आप जितनी मिर्च पसंद करते हैं। और इसमें हम चिकन डाल देंगे जी। अब हम इसमें सब्ज़ियाँ डाल के मिक्स करेंगे। सोया सॉस शामिल करेंगे इसके अंदर तकरीबन 4 टेबलस्पून। ठीक है, कुछ जी ये देखें, ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पकनी नहीं चाहिए, थोड़ी सी कच्ची कच्ची रहनी चाहिए क्योंकि शवारमे में कच्ची ही अच्छी लगती है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर मैं सूखा धनिया का पाउडर डालूँगी। सूखा धनिया शामिल करेंगे इसको। ठीक है, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और अब इसके अंदर हम ये, अब ये देखें कोयला मैंने बीच में इसके रखा है और ऊपर मैं इसके ऑयल डालूंगी और कवर कर दूंगी। शवारमा जो है उसको हल्का हल्का सा दोनों तरफ से लाइट ब्राउन करेंगे जी। ये देखें, ये हमारा मसाला चिकन तैयार है। टिक्का इसका फ्लेवर है और बारबेक्यू का इसके अंदर स्मोक हमने की है और बहुत ही मज़े का। ये देखें आपके सामने खड़ी खड़ी सारी सब्ज़ी है। ये देखें इसका कलर आ गया है और अब हम इसको उतार लेंगे। इसी तरह हम बाकी ब्रेड्स को भी कर लेंगे थोड़ा सा ऑयल लगा कर। ये हम क्लासिक मायोनीज में पहले लगाएंगे। आप मायोनीज भी लगा सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही हो। आप ये वाली मायोनीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं जी। इस तरह से ये इस तरह से आप इसमें चिकन डाल लें, जितना भी डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद है उतना आप डाल सकते हैं। ये अब इसके ऊपर सॉस डालेंगे योगर्ट वाला। ठीक है, इस तरह से ये सॉस डाला ऊपर। ये बहुत मज़े का सॉस है योगर्ट का। और थोड़ा सा इसके ऊपर चिली गार्लिक सॉस, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी सी। और इसको हम टूथपिक से कवर कर लेंगे इस तरह से, ऊपर से टूथपिक कर देंगे जी। ये देखें, ये शवारमा हमारा तैयार हो गया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नई रेसिपी के साथ दोबारा इंशाल्लाह हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।